वो एक बाबरकत रात थी, जब सारा आलम इबादत में मशगूल था। मुनीर और उसका दोस्त अपने कमरे में नशे में डूबे हुए थे। ऐसे में मुनीर के बाप ने कमरे का दरवाजा खोला। नतीजा ये रहा कि सुबह ही मुनीर को ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया गया। मेरे लिए ये सब बहुत अजीबनाक था। मैंने उसे कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। प्राइवेट स्कूल में तालीम, आईफोन, गाड़ी, क्या कुछ नहीं है उसके पास। नशे की लत एक इंसान की बीमारी नहीं है जो इससे जूझ रहा होता है, बल्कि ये तो पूरे खानदान की बीमारी है, पूरी हमसायादारी की बीमारी है और पूरी सोसाइटी को बीमार कर देती है। मेरे दोस्त ने मुझे इसमें धकेला। शुरुआत बस स्मोकिंग से हुई और आहिस्ता आहिस्ता कैनबिस का इस्तेमाल लगातार होने लगा। मेरी उम्र 16 साल है और मैं 2 साल से इसमें मुलविस हूँ। मुझे आज इस बात का दुख सबसे ज्यादा है कि मैंने अपने पेरेंट्स से उस दौरान बदतमीजी की है। मुनीर की आंखें नम थी, लेकिन वो उम्मीद है कि वो MBA करके अपने वालदैन का नाम रोशन जरूर करेगा। कैनबिस, मेडिसिनल ओपियोइड्स, अल्कोहल, ऐसा लगता था कश्मीर जन्नत बेनज़ीर इन सब चीज़ों से बहुत पाक है। लेकिन नहीं, हमारी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, लड़के और लड़कियां दोनों इसमें मुलव्वस हैं। यहां तक कि हमारे स्कूल भी अब इसकी जद में हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के साथ काम करने वाले डी एडिक्शन सेंटर के एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम में जाकर मालूम हुआ कि 11 साल का राजू पिछले 5 साल से अपने 10 दोस्तों के ग्रुप में नशा करता रहा है। 18 साल की सोनू के स्कूल में उसके दोस्तों में 4 लड़कियां और 6 लड़के भी पेट्रोल, फेविकोल, SR, सिगरेट और चर्स वगैरह का इस्तेमाल 3-4 साल से करते जा रहे हैं। ये सोचकर आज भी मैं डर जाता हूँ कि मेरी मौत भी हो सकती थी। इनफैक्ट ये जो ग्रुप हमारे पास है, ये जब हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दिस ग्रुप इज दे आर हाईली इंटेलिजेंट। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, क्योंकि इन बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ही जरूरी है। इन स्पोर्ट्स एडवेंचर, एडवेंचरस गेम्स और दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के मौके फराहम किए जाने चाहिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स विल वर्क वंडर्स इंशाल्लाह। इस डी एडिक्शन सेंटर में पेशेंट्स के लिए सब कुछ है। ये सब पेशेंट्स के लिए यहाँ पे केस जो हमारा 2 ग्रुप होता है। अच्छा, पेशेंट का 5 पहले लाते हैं और फिर उसके बाद 5 लाते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट्स कौन से पेशेंट्स होते हैं जो भी हमारे यहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर में पेशेंट्स ड्रग एडिक्शन। और इन्हीं गलियारों में ये आवाजें भी गूंजती हैं। मैं MBA करना चाहता हूँ। मैं एक दिन सबको साइंटिस्ट बन के दिखाऊंगा। तो एक तो ये चीज है कि दैट अवेयरनेस जरूरी है, बिकॉज़ वी हैव लॉस्ट वन जनरेशन टू मिलिटेंसी एंड अदर जनरेशन वी आर लूजिंग टू ड्रग्स। वी नीड टू बी अवेयर दैट इट इज रियली अ सीरियस प्रॉब्लम एंड सोसाइटी नीड्स टू वेक अप। और जहाँ सोसाइटी को अवेयर करने की जरूरत है, वहीं हर बच्चे के लिए एक सेफ्टी नेट लाजमी है। माँ बाप का तवज्जो कम देना, टीचर का हाकमाना रवैया, दौलत की भरमार, मोहब्बत में धोखा, डर, हीरोपंथी, पीयर प्रेशर, फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, सवालात कुछ भी हों, जवाब वही हैं जो साइंटिस्ट बनने के, बिजनेसमैन बनने के, टीचर और मददगार बनने के हैं। यही वो परवाज है जो उम्मीद के परों से यकीन के आसमानों को ज़रूर छुएगी।